कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि बीवी शादी के बाद भी दर्जनों मर्दों के साथ भाग चुकी हो, लेकिन वापस लौटकर माफी मांगने पर हर बार पति उसे माफ कर देता और फिर से अपना लेता। सुनने में आपको ये कहानी काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें ये कहानी बिल्कुल सच है। हेलो, मैं हूँ अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। पति पत्नी के रिश्ते का ऐसा हैरान कर देने वाला मामला असम के नगांव का है। 40 साल की महिला ढींग की रहने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आखिरी बार 4 सितंबर को घर से भागी थी। जानकारी के मुताबिक महिला गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ भागी है। भागने से पहले उसने अपने 3 महीने के बच्चे को पड़ोसी के घर पर छोड़ दिया। साथ ही इस बार तो महिला अपने साथ 22,000 रुपए और गहने भी ले गए। मीडिया में महिला के नाम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उसके शौहर का नाम माफिजुद्दीन बताया जा रहा है। माफिजुद्दीन के मुताबिक दोनों का निकाह साल 2011 में हुआ था। दोनों के 3 बच्चे हैं और निकाह के बाद से अब तक वो अलग अलग मर्दों के साथ 25 बार भाग चुकी है। खास बात ये कि महिला हर बार घर भी लौटती और आकर ऐसे ऐसे बहाने देती कि माफिजुद्दीन उसे माफ कर देता। माफिजुद्दीन ने एक अच्छा शौहर होने का फर्ज निभाया, कभी बीवी के वादों पर हर बार यकीन करता। महिला के पति के मुताबिक हर बार परिवार में वापस आने के बाद उसने वादा किया कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अब तक वो अपना वादा निभाने में नाकामयाब ही रही है। माफिजुद्दीन ने आगे कहा, कभी मेरी बीवी ने दावा किया कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गई, कभी उसने कहा कि वो अपने बीमार रिश्तेदारों को देखने गई। मैं उसे स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और हमारे 3 छोटे बच्चे भी हैं। अगर मैं अपनी बीवी को स्वीकार नहीं करता तो उनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने कानूनी और दूसरी परेशानियों से बचने के लिए पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। हालांकि उसे अफसोस भी है कि उसकी बीवी अब तक अपने कमिटमेंट पर खरी नहीं उतर सकी। मुस्लिम बहुल इस गांव के पड़ोसियों के मुताबिक महिला के गांव के कई लड़कों से अवैध संबंध है और वो अलग अलग प्रेमियों के साथ भाग जाती है। बाद में कुछ हफ्तों या महीनों के बाद वो वापस भी आ जाती है। फिलहाल माफिजुद्दीन के अंधे प्यार की चर्चा सिर्फ इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगी है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।